आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी के चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को चंदौली पहुंचकर कन्हैया यादव और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। कन्हैया यादव ने पुलिस पर उनकी बेटियों से मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करने पर जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो आज दो दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख, वाराणसी और चंदौली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चंदौली जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आपको बता दें कि पुलिस दबिश के दौरान युवती की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चंदौली पहुंचेंगे, जहां वो चंदौली पहुंचकर कन्हैया यादव और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। कन्हैया यादव ने पुलिस पर उनकी बेटियों से मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करने पर जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पीड़ित के पिता ने अन्न जल त्याग दिया था और ये बात भी कही थी कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता वो इसी तरह से अन्न जल त्याग कर बैठे रहेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। तो चंदौली में पुलिस की दबिश के बाद जिस तरह से मारपीट की गई थी कन्हैया की बेटियों के साथ, जिसके बाद एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, तो वहीं अब इस मामले में राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्योंकि पिता ने तो पहले ही अन्न जल त्याग दिया था और अब अखिलेश यादव भी पीड़ित से मिलने पहुंच रहे हैं। इसके बाद अखिलेश वाराणसी जाएंगे, जहां ईवीएम को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उन लोगों से मुलाकात करेंगे और सरकार से कुछ अपील भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये चंदौली का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौली की, जिसका जो ये मामला है, मौत का मामला भी राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, सबसे पहले मामले पे नजर डालेंगे। अजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज जिस तरह से चंदौली के दौरे पर रहेंगे, चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस के दबिश के दौरान जो युवती की संदिग्ध मौत हुई थी, उसमें जो सियासत तेज हो गई है, अब उसी मामले पे आज हम चर्चा भी करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यानी आज चंदौली पहुंचकर कन्हैया यादव और उसके परिवार से मुलाकात करेंगे। बेटे की मौत के बाद बुरा हाल हो गया परिवार का, न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। कन्हैया यादव ने अपनी बेटी की मौत के बाद अन्न जल त्याग दिया था, अन्न त्याग कर वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। और जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही के दौरान उनकी बेटी की मौत हुई है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न्याय की गुहार लगाते हुए पिता दिखाई दे रहा है। कन्हैया यादव ने पुलिस पर उनकी बेटियों से मारपीट और हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जब कन्हैया के घर पुलिस दबिश देने पहुंची, उस दौरान बेटियों के साथ मारपीट की, जिसमें एक बेटी की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मुलाकात के बाद दुख बांटने के बाद, शोक व्यक्त करने के बाद अखिलेश यादव वाराणसी भी पहुंचेंगे, जहां वो ईवीएम को लेके प्रदर्शन करने पर जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले हम इस मामले की जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से अन्न जल त्याग कर न्याय की गुहार लगा रहा था, तो अब क्या कहना है कन्हैया का? मैम, आपको हम बता दें कि आज हो गया 9 दिन हो गया है अन्न जल त्याग दिए कन्हैया यादव जी, और उनके मृतिका जो उनकी छोटी लड़की है निशा यादव की मृत्यु हो गई है। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज दौरा रहेगा जनपद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। लगभग यहां पर 12:30 बजे वो आ जाएंगे और यहां से फिर 3:45 पर बाई रोड
बाबतपुर के लिए रवाना होंगे। जी अजीत, अगर बात करें कन्हैया की दूसरी बेटी की जो कि पुलिस की दबिश के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? अभी तो फिलहाल में हालत बेहतर बताई जा रही है मैम। वही हम बात करें तो दिन प्रतिदिन इस पे रणनीतियां पार्टी दल सभी पार्टी दल आ रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे हम आंदोलन करेंगे और जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे और जल्द से जल्द जो यशस्व है सहराजे का उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करते रहेंगे। कन्हैया और उससे परिवार से मिलने के लिए अभी तक कौन कौन से राजनीतिक चेहरे सामने आ चुके हैं? देख, कन्हैया के परिवार से मिलने के लिए भी चंद्रशेखर आए थे, भारतीय आर्मी के वो भी आए थे, बस तमाम ऐसे नेता है कि आ रहे हैं और डेली मिल रहे हैं। लेकिन आज सपा के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जनपद में दौरा रहेगा और लगभग 2 या 3 घंटे उनसे मुलाकात भी करेंगे और बात विचार करेंगे। अब इसके आगे क्या होता है, आगे के हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जी अखिलेश वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे और ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करने वाले जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो इन दोनों मुलाकात के बाद सरकार से क्या कुछ अपील कर सकते हैं अखिलेश? अभी सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार को पत्रकारों पर अन्य कई कई आरोप लगा रहे हैं और कहीं के बड़ी सवाल भी है, कहीं यहाँ पर भी कांड हो रहा है तो कहीं एक जगह मतलब महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में आज जनपद में आएंगे और देखिए आगे क्या कहते हैं। अभी हम उसी अपडेट के लिए बने हैं चंदौली से। जी जिस तरह से ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करने पर कई सपा कार्यकर्ता जेल में बंद है, कम से कम कितने कार्यकर्ता जेल में बंद है और काफी समय हो गया है, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, क्या कुछ जानकारी है जी? मैम आपको हम बता दें कि उसी रिहाई को लेकर आज उसी बात को आज चर्चा भी करेंगे और कहीं न कहीं आज उस बात को खोलेंगे और बताएंगे कि क्यों ऐसी बात है ईवीएम मशीन को लेकर। कहीं न कहीं बहुत इस पे बात विचार होगा और लगभग में जनपद में भी आप बात विचार करेंगे और बात विचार करने के बाद जो आगे सामने आएगा उस पे हम कुछ अपडेट आपको दे सकते हैं कुछ देर बाद। जी अजीत, कन्हैया के घर कितने बजे तक पहुंच सकते हैं अखिलेश? कन्हैया के घर लगभग उनका 12 बजे का आगमन बताया जा रहा है और बट 12 बजे मेन अपने प्रोटोकॉल के टाइम से पहुंच जाएंगे कन्हैया यादव के घर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े थे चंदौली से। रुक करते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंच रही हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, साथ ही विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और दौरे के दूसरे दिन 10 मई की सुबह स्मृति ईरानी गेस्ट हाउस से 10:45 बजे निकलेंगी और गौरीगंज के दुर्गाधाम स्थित जयपुरिया स्कूल पहुंचेंगी, जहां वो स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगी। तो अपने दौरे पर अमेठी पहुंच रही है, 2 दिवसीय दौरा है स्मृति ईरानी का। अमेठी की जनता से लगातार रूबरू होती रहती है और यही वजह है जो वहां पे बीजेपी मजबूत भी हुई है अमेठी में, और अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा के अपनी काम को भी बेहतर बनाया है, साथ ही साथ जनता के मन में विश्वास भी उत्पन्न किया है। फिर 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंच रही है, संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी, संसदीय क्षेत्र है स्मृति ईरानी का, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी, साथ ही दौरे के दूसरे दिन 10 मई के सुबह स्मृति ईरानी गेस्ट हाउस से 10:45 बजे निकलेंगी और गौरीगंज के दुर्गाधाम स्थित जयपुरिया स्कूल पहुंचने का उनका शेड्यूल है, जहां वो स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगी। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता वीरेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी है स्मृति ईरानी के? जी मैम, आप शिखा जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आज अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी का आज 2 दिवसीय अमेठी में दौरा है और आज दिल्ली से निकलकर लखनऊ पहुंचेंगी और लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगी और लखनऊ मुलाकात करने के बाद वहां से लखनऊ से रोड मार्ग से निकल के होकर आएंगे और जगदीशपुर के जिसौली गाँव में उनकी एक चौपाल लगी है और उस चौपाल में लोगों की जनसमस्याएं सुनेंगी और समस्या सुनने के बाद वहां से छोटे छोटे कार्यक्रम अमेठी के चारों विधानसभा में उनके चौपाल लगे हुए हैं, जहां पे वो अपने अमेठी की जनता की और अमेठी की जो उनके लोग हैं उनकी जन समस्याएं सुनेंगी और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगी।
जी वीरेन, जिस तरह से अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराती रहती हैं अमेठी में, क्योंकि पहले देखा जाता था कि कांग्रेस का दबदबा था अमेठी में, लेकिन अब वो खत्म होता जा रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की वजह से ही ये मजबूती बन पाई है बीजेपी की, क्या कहेंगे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी अपनी पैठ जमा पाई हैं अमेठी के कहे जाने वाले गांधी परिवार का, यहाँ एक गढ़ कहा जाता था कि एक गांधी परिवार का एक गढ़ है यहाँ पे, और उसी गढ़ में दीदी स्मृति ईरानी जो है वो अपना एक पैठ जमा पाई है, और कहीं ना कहीं वो एक मजबूत होती नजर आ रही है, बीजेपी की एक अच्छी नेता के तौर पर यहाँ उभर के आई। अगर बात करें मुख्य मुद्दों की, तो कौन कौन से अमेठी में मुद्दे देखने को मिलते हैं जिसपे काम करने की जरूरत है सरकार को, और पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव देखने को मिला अमेठी में? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से अभी बदलाव की जरूरत है वो है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, कभी अस्पतालों में पैरासीटामोल नहीं होता है, कभी अस्पतालों में बंदर पाए जाते हैं, कभी कुत्ते पाए जाते हैं, तो इस तरीके की लापरवाही और विभागीय बहुत लापरवाही देखने को मिलती है। और वहीं अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि विकास, तो विकास जैसे रोड हो गया, रोड भी अभी वैसे गड्ढे हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की समस्याएं रोड को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, लेकिन अगर देखी जाए अमेठी में सबसे ज्यादा अगर लापरवाही नजर अगर देखने को मिलती है तो वो है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी लापरवाही निकल के आती है, और कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की जरूरत है। और अगर आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अपना दौरा कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, हर अस्पताल में जाके वो निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके अंदर डर नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, उनको ये लगता है कि आएंगे और देखेंगे और चले जाएंगे। जी वीरेन, लगातार कई मुद्दे उठते रहते हैं, राजनीतिक रूप भी लेते रहते हैं, जनता की समस्याएं रहती हैं, और जब स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं, आपने बताया भी कि वो जो है चौपाल लगाएंगी और जो है जनता की समस्याएं सुनेंगी, तो किन किन तरह की समस्या सुन सकती है और जनता अपनी बात कैसे पहुंचा सकती है स्मृति ईरानी तक? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो चौपाल लगाई गई है वहां पे जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें जनता अपनी समस्याओं को जाके बता सकते हैं और अपनी समस्या को सुना सकते हैं, और वहीं अधिकारियों को बता दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जो भी उनके आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनको आने दिया जाए और अपनी समस्या उनके सामने रखी जाए। जी इस वक्त देश में कई जगह पे बिजली की कटौती भी हो रही है, अगर अमेठी की बात करी जाए तो अमेठी में क्या हाल है? अगर बात की जाए अमेठी के, तो अमेठी में ऊर्जा मंत्री का अपने 1 दिवसीय 2 दिवसीय दौरे पे आए थे, और अगर विद्युत विभाग की बात की जाए तो कहीं कुछ खास ठीक नहीं है, उन्होंने आया, एक ऊर्जा मंत्री आए के शर्मा, और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले गए। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ट्रांसफार्मर गिरा है, और गांव में अभी नंगे तार वैसे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें भी भारी लापरवाही देखने को मिलती है, और उस पे कड़ा एक्शन लेने की सख्त जरूरत। जी वीरेन, स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से मुलाकात भी करेंगी स्मृति ईरानी, क्या कोई बड़ी सौगात भी दे सकती है? जी आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि आप सौगात तो देने के उसमें है, इस बार आएंगी, देखना ये होगा कि वो लाभार्थियों को कितनी बड़ी सौगात देती है अमेठी की जनता को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेन जुड़े थे अमेठी से। तो स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से स्मृति ईरानी मुलाकात भी करेंगे अमेठी में, अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं, जहां वो आज जनता की परेशानियों को सुनेंगी जनता के बीच पहुंचकर। वहीं दूसरे दिन यानी कि 10 मई को स्मृति ईरानी के कई कार्यक्रम है जिसमें भी सम्मिलित तो होंगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।